हे गाइस, व्हाट्स अप? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, रैंक सिमुलेटर इसको जो मैं खेलने जा रही हूँ गाइस, तो इस वीडियो में जबरदस्त बात ये होने वाली है कि मैं जो है वो एक बड़ा सा जो है वो चिकन को जो है वो कूप बनाने लगी हूँ, चिकन का फार्म। तो गाइस, मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाइक एंड शेयर करना है, और चैनल पर न्यू तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को स्किप नहीं करना। सो वॉच में जबरदस्त बिगेस्ट किस्म का जो है वो वर्ल्ड का जो है वो मैं चिकन वो बनाने लगी हूँ फार्म। तो गाइस, एक्चुअली मुझे जो है चिकन बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्योंकि अभी इतने ज्यादा मेरे पास जो है वो अमाउंट नहीं है, तो स्टार्ट जो है वो चिकन से कर लेते हैं, क्योंकि अगर अभी जो है बार्न या कैटल या जो भी है वो लेके आएंगे तो उसमें ज्यादा पैसे लगेंगे। मेरे पास जो है दो चिकन ऑलरेडी हैं, और ये मैंने रोस्टर और फीमेल दोनों ली थी, तो अभी इनका मैंने सारा दाना पानी रखा, तो ये एग ले भी कर रही है गाइस। मजे की बात ये, तो पहले मैं जो है वो उसको सारा ये एरिया क्लियर करती हूँ, और यहाँ पे जो है वो जबरदस्त किस्म का बनाती हूँ फार्म से। तो पहले जो है वो मैं निकाल लेती हूँ चीजें इसके लिए चाहिए मुझको, तो इसके लिए मैं पहले वुड फेंस जो है वो लूंगी और उसको लगाऊंगी। तो इसके लिए मुझे फिर प्लैंक जो है वो चाहिए होंगे, तो वो कट करेंगे हम। पहले हम ये वॉल जो है वो सारी बाउंड्री लगा देते हैं। मैं जो है वो इसको अंदर करूंगी, क्योंकि ये जो मैंने पहले बनाया था स्टार्ट में, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो इसका मिशन आ रहा था, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। तो ये सारा जो है वो लगाऊंगी इसी तरह से गाइस, तो बड़ा सा बनाऊंगी। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लेआउट जो है वो प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पे सारी बाउंड्री जो फेंस है वो सारी लगा दी। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे और एक उस कॉर्नर पे डोर भी रखे हैं, तीन कॉर्नर पे, ताकि हम इजीली जो है वो यहाँ से आगे पीछे भी हो सके। वैसे तो जब भी किया जा सकता है, बट एक अच्छा सा दिखेगा। तो मैंने इसको अब जो है वो मैं वुड काट के लाऊंगी, और सबको जो है वो मैं यहाँ पे बिल्ड करूंगी, तो देखते हैं इसका फाइनल लुक जो है वो कैसे आता है जबरदस्त सा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैं बहुत सारी वुड जो है वो लोड करके जो है वो कट करके जंगल में से तो फिर लेके आ गई हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो नाइट हो गई थी, तो दोबारा से जो है वो डे हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो है वो सारी वुड जो है वो यहाँ पे सारी जमा कर रही हूँ, ताकि यहाँ पे जो है वो हर एक के लिए जो है गाइस 4 प्लैंक चाहिए। तो बहुत बड़ा सा चिकन का फार्म जो है बनाने लगी हूँ जबरदस्त से, बहुत सारी वुड चाहिए उसके लिए। तो इसको जो है मैं यहाँ पे सारी जो है वो वुड जो है वो कर रही हूँ, बहुत सारी जो है वो मैंने काट भी लिया। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे नजर आ रहे होंगे, तो उसको जो है अभी मुझको और भी बहुत सारे चाहिए, तो मैं इसको जो है यहाँ पे सब कुछ गैदर कर रही हूँ। तो गाइस, इसको जो है वो चल के साथ में जो है वो कट भी कर रहे हैं, साथ साथ कटिंग भी करती जा रही हूँ, और साथ में जो है वो जंगल से जो है वो वुड कट करके भी ला रही हूँ, तो कटिंग का काम जो है वो होता रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे और मशीन की भी जरूरत है, ताकि जल्दी जल्दी जो है साथ में कटिंग होती है, लेकिन गाइस यू नो अभी जो है मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो मैंने इसीलिए फॉर्म भी जो है ये सस्ते में बन जाएगा, दूसरा बहुत बड़ा बनेगा ज़बरदस्त, और जो चिकन जो है वो रेज होंगी यहाँ पे, कुछ चिकन ला के भी यहाँ पे रखेंगे, तो बाद में जो है फिर यहाँ से जो अर्निंग होगी, तो फ्यूल जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद गाइस फिर मेरे पास जो है कुछ पैसे आएंगे, तो मैं बार्न और फिर जो है वो कैटल जो है वो फार्म वो बनाऊंगी। तो गाइस, मेरा मेन पर्पज़ जो है वो चिकन की प्रोडक्शन है, तो चल के मैंने सोचा तब तक कुछ चिकन भी जो है वो परचेज कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे आके छोड़ देते, ताकि वो बड़ी हो जाए, अच्छी खासी हो जाए, तो जो है वो कट करके लानी है, तो वो भी लेके आते हैं, तब तक साथ में ये काम भी कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख चुके हो, मैं यहाँ पे शॉप पे आ चुकी हूँ, यहाँ से कुछ चिकन जो है वो परचेज कर लेते हैं, ताकि हमारा एटलीस्ट जो है वो कुछ काम तो चल सके, स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पे कुछ चिकन जो है वो ये वाली मैं बाय करूंगी इनको। गाइस, यहाँ पे मैं जो है वो टोटल एक्चुअली मैं यहाँ पे 6 चिकन जो है अभी मैं लेने लगी हूँ, तो $300 इस पे जो है मेरे कंज्यूम होंगे, तो इसको जो है हम बाय कर लेते हैं। 6 मेरे ख्याल में फिलहाल इनफ है इनके लिए, थोड़ा सा यहाँ से जो है वो बैग जो है वो ले लेते हैं वीट का, और बाहर से जो है इसको जाके कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से अगेन। ये मेरे पास सारी चिकन जो है वो आ चुकी है, वन बाय वन करके इनको गाइस मैं जो है वो गाड़ी में रख रही हूँ यहाँ पे, तो अच्छी खासी मोटी ताजी है। एक्चुअली मुझको ये बर्ड जो है बड़े पसंद है, तो मैंने सोचा चलो जी एक अच्छा सा बड़ा सा फार्म बनाते हैं चिकन का, तो बिगेस्ट किस्म का फार्म होगा, काम जो है बहुत ज्यादा है उसका, और जो है वो दिन रात जो है वो मेहनत करनी है, और काट के जो है वो वुड इकट्ठी करनी है, तभी जो है वो बनेगा, तो काफी मोटी मोटी है मोटू सी है। ओके, इनको जो है वन बाय वन करके रख लिया, मैं इनको जो है वो देख लेती हूँ, मेरे पास 2, 3, 4 मोटी आ जाओ भाई, अरे अंडा भी दे दिया, वाह जबरदस्त। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हो, सारी चीजें मैंने लोड कर दी है, ये 6 मोटियां जो है वो मैंने लोड कर दी है जबरदस्त, इतनी क्यूट सी है। चलते हैं वापस रेंच पे, और इनको वहां पे छोड़ते हैं, इनको खाना पानी जो है देते हैं, ताकि जो है वो यहाँ पे बड़ी हो जाए। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख चुके हो, मैं जो है वो वापस आ चुकी हूँ रेंच में, और यहाँ इनको जो है वो यहाँ पे इनको उतार देते हैं यहाँ पे, ताकि ये जो है वो
यहाँ पे घूम फिर सकें। तो ये इनको उतार देते हैं ताकि खा पी भी लें और अच्छी खासी बड़ी हो जाए। वन बाय वन करके सबको जो है मैं उतार रही हूँ यहाँ पे। ये जो है वो अभी जो है वो खाना है इनका खत्म हो चुका है, यानी कि मैं सही टाइम पे लेके आई हूँ। गुड, वेरी नाइस। वाटर जो है वो अभी स्टिल है इसमें। तो गाइज मैं जो है वो एक्चुअली फेंस जो है वो थोड़ा सा दूर है, तो मैं गाड़ी जो है फुल लोड करके जाती हूँ ताकि जो है साथ साथ खड़ा करके जो है वो जल्दी से जो है वो फेंस जो है वो उसको कंप्लीट कर सके। मैं उधर से जो है वो करूँगी। नाइट जो है वो ऑलमोस्ट जो वो नाइट होने लगी है गाइज, गेटिंग डार्क, तो इवनिंग हो चली है। सुबह से काम कर रही हूँ और अभी जो है वो शाम हो गई। तो इसको जो है वो अच्छा खासा लोड करके लेके जाते हैं सबको जो है वो, चलते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ से ले जाके सबको लगाऊंगी एक साथ। अपडेट के बाद यही चीज़ ज़बरदस्त आई है कि भाई एक साथ जो है वो उसको उठा के जो है वो लगाया जा सकता है, अदरवाइज वन बाय वन जो है बड़ा मुश्किल। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, जैसा कि रात के जो है वो 1:30 बज चुका है, अगेन जो है वो और स्टार जो है वो ज़बरदस्ती ऊपर ब्लिंक कर रहे हैं, वहाँ पे शाइन कर रहे हैं। तो गाइज ये मेरी फेंस जो है वो ऑलमोस्ट वन एंड, यहाँ पे भी तकरीबन दूसरी वॉल, दो वॉल जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। तो जितनी भी मेरी वुड थी वो सब में बस इतना ही बना है, तो इतनी वुड काट के अब लानी है। तो अब ये दूसरी दो वॉल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और यहाँ पे चिकन जो है वो खा पी भी रही है, और यहाँ पे इनको दाना पानी भी डाल दिया था। अभी ये जो है वो फिर जब यहाँ पे एग्स ले करके उस पर बैठेंगी, तो ये जो है वो फिर और चिक्स भी निकालेंगी, और यहाँ पे प्रोडक्शन हम मोर जो है वो चिकन बाय करके लाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो बिगेस्ट जो है वो चिकन फार्म बनने लगा है। तो अगेन जो है वुड कट करके लाते हैं, सारे रात जो है वो काम करी, अब अगेन जो है वो होने लगी है। तो अगेन जो है वो जंगल में चलते हैं और वुड कट करके लाते हैं, कर लगाते हैं। और यहाँ पे जो है वो कुछ जंगल से जो है वो वुड कट करके लाते हैं, फिर चलेंगे वहां से जब देखेंगे अगेन बाय कर लेंगे उसको कैसे भी। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ इस जगह पे, ताकि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे ट्रीज हैं, तो इनको एक साथ जो है वो काट सकूँ और उसको जो है गाड़ी को जो है वो लोड कर सकूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, गाड़ी मेरी जो है वो फुल हो चुकी है, इससे ज़्यादा वो जो है वो लोड नहीं उठा रही, तो उसको चलते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी एक ही जगह से वुड कट करी थी। वेदर जो देख सकते हो ज़बरदस्त किस्म का रेनी थंडर स्टॉर्म आ चुका है, और ज़बरदस्त किस्म का वेदर बन चुका है। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ वापस अपने रेंच पे, और इनको वन बाय वन जो है वो साथ में कटिंग पे भी लगा देते हैं। तो गैस आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है मेरी सारी गाड़ी जो है वो अनलोड कर ली है इसको। अब जो मैं साथ में कटिंग भी करती जा रही थी, तो कुछ क्लाइंट्स जो मेरे पास आ चुके हैं, तो इनको सबको जो है मैं कट करूँगी, और देखते हैं कि कितनी वुड जो है हमारे पास ये क्लाइंट्स जो बन के आते हैं। अरे गाइस यहाँ पे मैंने बास्केट उठाई, तो मुझे जो है वो यहाँ पे चिकन एक जो है वो छोटा सा बेबी जो है तो क्यूट सा नजर आया, इतना क्यूट है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे एग्स में से जो है वो एक चिकन जो सबसे पहले रखा था उसमें से निकल के आ चुका है। एग्स को जो है वहाँ पे रख देती हूँ ताकि उसमें से जो है वो चिक्स जो है वो खुद निकलते रहें, और वो नीचे फिर होंगे तो वो खुद ही खा पी के बड़े भी हो जाएंगे। तो मेरी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकती है गाइस यहाँ पे। साथ में जो है वो कटिंग का काम भी जो है वो चल रहा है साथ साथ। तो इनको जो है मैं यहाँ पे रख रही हूँ एक एक तरफ, ये एक तो मारना स्टार्ट कर देती है यहाँ पे। तो गाइस हम जो अपना गैसोलीन जो लेके आ चुके हैं, अब इसमें जो हम इसको जो है फिल भी कर लेंगे, और साथ साथ जो उसको यहाँ पे कटिंग भी करते जाएंगे, इसको अनलोड कर देंगे यहाँ पे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख चुके हो, मेरे पास जो है वो बहुत सारी जो है वो प्लैंक्स अगेन जो है वो यहाँ पे है वो तैयार हो चुकी है। तो पहले मैं गाइस इन्हीं को जो है वो लगा के देखूंगी, फिर जो है वो मैं देखूंगी कि अगर कुछ कम है तो फिर मैं इसको अगेन जो है वो कुछ और वुड कट करके लाऊं। तो यहाँ पे मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ इस फेंस को जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो दो वॉल मेरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब ये जो है वो ये वाली ये पूरी हो चुकी है। ये मैंने इनका जो है वो यहाँ पे एक डोर रखा है यहाँ पे, ताकि ये जो है थ्री साइड पे था जो वो ओपन करके आ जा सके, और दिखने में भी जो है वो अच्छा लगेगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा फेंस जो है वो फुल हो चुका है। मैंने इसको दिन रात मेहनत करके जो है डे एंड नाइट इसको जो है मैंने यहाँ पे इसकी फेंस पूरी लगाई है। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया, बहुत वर्किंग, क्योंकि मैंने एक्चुअली बहुत बड़ा बनाया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा वुड जो है वो यूज़ हुई है। इसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे पास जो है वो चिकन जो है वो खा पी के जो है वो खासी हो चुकी है, और इनके जो है वो एक से चिक्स निकलने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरे पास दो चिक्स जो आप लोग देख सकते थे क्यूब से,
देखो दो चिक्स जो है वो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ये भी निकल चुके हैं। इसके अलावा और बहुत सारे अंडे भी हैं, तो इनमें से और चिक्स भी निकलने हैं। यहाँ पे इनका वाटर खत्म हो चुका है, तो पहले चल के जो है वो इनका वाटर लेके आ जाते हैं। मैंने गाइस ये यहाँ पे डोर भी रखा है सब साइड पे, ताकि जो इजिली यहाँ वहाँ से मूव किया जा सके। तो यहाँ पे मैंने डोर रखे थे, एक उस कॉर्नर पे है। इसके अंदर जो गाइस वो जो है कुछ वो मैंने इसलिए कट नहीं की, क्योंकि जो वो ब्यूटी को मैं डैमेज नहीं करना चाहिए। थोड़े मैंने कट किए थे, लेकिन कुछ मैंने छोड़ दिए थे, ताकि जो वो उसकी जो वो ब्यूटी जो है बरकरार रहे। यहाँ पे ये बकेट जो है वो फुल हो चुकी है, इसको लेके चलते हैं उनके उसमें। एक्चुअली ये वाटर इतना ज्यादा नहीं होता, मैं और भी बहुत सारी बीच में जो है वो साथ साथ वुड भी कलेक्ट कर रही थी, और साथ साथ इनका जो है वो खाना भी लेके आ गई थी। अब मैंने जो है वो बहुत सारा एक साथ लेके आ गई थी। एक अंडा देखे बाहर भी पड़ा हुआ है। अब ये पूरा फेंस जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, तो अब ये बाहर नहीं जाएंगी। अब ये होगा कि इनके एग्स जो है वो यहीं पे ये ले करेंगी, यहीं कहीं। तो ये बकेट जो है वो ऊपर ही रख देते हैं, ताकि जब चाहिए हो तो यहाँ से मैं एग लेके जो है वो वापस अंदर आती हूँ, अंदर रख देते। अब ये एक तो ये मारती भी है जब इनके एग उठाओ, तो अंडा जो है मैंने अंदर रख दिया इसके। इसको बकेट को जब इसके डेज कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ पे उठाओ तो चिकन भी जो है वो चिक छोटा सा बेबी भी निकल आता है। तो यहाँ पे जो है वो ये सारे जो है वो फेंस तो बन चुकी है गाइस। अब मेरा यहाँ पे जो है वो इरादा है कि एक ये कूप इनके लिए, ये क्योंकि बेसिक था तो मैंने छोटा सा स्मॉल बना दिया था, और कुछ चिकन ले आई थी। अभी मेरे पास गाइस जो अमाउंट है, मेरे पास 476 डॉलर बचे, क्योंकि इनका मैं खाना जो है लेके आई थी और कुछ चिकन बाय किए थे, तो उसमें जो है वो लग गया है। तो गाइस फेंस तो कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद जो है वो मेरा इरादा यहाँ पे कूप बनाने का है। तो बिगेस्ट चिकन फार्म बनाने लगी हूँ, तो इसके साथ ही जो है मैं उसका कूप भी जो एक्सपेंसिव और बिगेस्ट किस्म का बनाऊंगी। तो मुझे जो है यहाँ पे जो पसंद आया गाइस, तो ये है। इसके लिए मेटल रिक्वायर्ड है, 52 एंड 100 प्लैंक्स जो चाहिए अच्छे खासे। तो इसमें 30 चिकन जो है वो इजीली रह सकती है। दूसरी इसकी गाइस एक ब्यूटी ये है कि ये इसमें ना अंदर जाया जा सकता है, अदरवाइज बाकी छोटे छोटे उसमें अंदर नहीं जा सकेंगे। तो मेरा इरादा ये है कि यहाँ पे वो सामने जो है वो सामने जो है वो यहाँ पे मैंने जो है वो गेट लगाया था, तो वो जो है वो डोर है। और यहाँ पे जो है उसको मैं इसको यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे ट्री कुछ मैंने कट नहीं की, क्योंकि ब्यूटी को मैं डैमेज नहीं करना चाहिए। जब मुझे लगेगा तो मैं इसको कट कर दूँ। मैं इसका फेस जो इसी तरफ रखूंगी, क्योंकि घर मैं उस साइड पे बनाऊंगी। तो अभी जो है इसको मैं यहाँ पे बिगेस्ट किस्म का एक्सपेंसिव किस्म का कूप भी बनाने लगी हूँ गाइस। तो सबसे एक्सपेंसिव कूप होगा ये। तो इसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल के लिए फिर हम जो है वो मेटल लेके आते हैं, थैंक्स तो हमें यह फ्री में मिल जाएंगी। मेटल जो है उसके लिए गाइस मुझे जो रिक्वायर्ड है 52, और 52 10 जो है वो मेटल 100 डॉलर का है। तो हम जो है फिर इसको जो है वो वहाँ चलते हैं शॉप में जाके और परचेज करके आते हैं। मैप पे चलते हैं और यहाँ से जो है वो परचेज करते हैं स्टोर से। चल गाड़ी को मैं बाहर ला चुकी हूँ, उसको बंद कर दूंगी, कहीं कोई चिकन इस तरफ आ गई तो वो निकल ना जाए। तो अब जो है वो मैं चलती हूँ उस तरफ। तो गाइस मेरे पास कुछ अमाउंट जो है वो कम पड़ गई थी मेटल के लिए, तो मैंने जो सोचा मेरे पास एग्स जो काफी सारे जमा गए, रास्ते मुझे एक डियर मेरा, तो उसको मैंने हर्न कर लिया। और वुड मुझे मिली थी साथ साथ, मैं इनको करती जा रही थी। तो इनको जो वो मैं सेल कर दूंगी गाइस सारी चीजों को। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं सबको। तो एक ही मेरा था, अगर मेरे पास अमाउंट पूरी नहीं हुई तो मैं जाके और हंटिंग करूंगी, बट यहाँ पे इसको सेल करके देख लेते। मेरे पास जो एक्चुअली मीट जो वो इसकी प्राइस रहता है एक्स जो वो टोटल 120 है, तो उसको सेल कर देते हैं। मेरे पास जो है टोटल 160, तो एक्स की जो है वो जबरदस्त 6 का जो है वो एक है, वो जबरदस्त 20x है, और मीट जो है वो 3। तो मेरे पास जो है वो टोटल 165 बन रहे हैं, तो इनको कर देते हैं सेल ऑल। तो मेरे पास जो है वो अमाउंट अच्छी खासी हो चुकी है, मेरी जो है वो चिकन जो है वो प्रोडक्शन भी साथ साथ कर रही है, तो साथ साथ वो एग्स ले कर रही है, तो मुझे जो है उनसे भी अमाउंट जो है मिलना स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो मेरा बिजनेस जो है अभी इसको मैं बड़ा करूंगी, जैसे ही बड़ा सा फॉर्म बनाऊंगी और उसमें और चिकन ला के जो रखूंगी। तो गाइस मैं जो है वो अपने चिकन के फार्म के अंदर जो है वो बाउंड्री के अंदर आ चुकी हूँ फाइनली। तो इस सबको जो है मैं अनलोड करूंगी यहाँ पे, और इसको कर देते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे साथ साथ कटिंग भी करते जाते हैं। तो गाइस मैं जो है वो अब बनाने जा रही हूँ जबरदस्त किस्म का एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव चिकन कूप। तो जो सबसे बड़ा वाला है, सबसे एक्सपेंसिव है, क्योंकि फॉर्म जो है वो बड़ा बना रही हूँ, तो साथ में जो है वो उसको भी मैंने सोचा कि बड़ा बना लूँ। तो उसके लिए
जो मेटल रिक्वायर्ड है उसको चल के भी ले लेते हैं साथ साथ। पहले मैं इसको अनलोड कर दूँ, फिर साथ में अगर जहाँ रास्ते में वुड मिली तो उनको भी उठाते हुए चलेंगे और वहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि 100 प्लैंक्स जो है वो मुझको रिक्वायर्ड है इसके लिए। चिकन मेरी जो है वो थोड़ी सी, अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 7 चिकन है, उनके चिक्स जो है वो मेरे पास 2 थे और निकले कि नहीं मैंने अभी देखा नहीं है, क्योंकि मुझे कामों से फुर्सत नहीं मिल रही। इतने ज़्यादा काम है, इतने ज़्यादा काम है, सुबह से शाम हो जाती है और दिन से रात हो जाती है और दोबारा अगेन आ जाता है दिन। लेकिन जो ये बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने बनाया तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और पैसे भी जो वो सही करके लगाए कि ज़्यादा ना हो, फिर भी जो है वो कम पड़ गए थे, क्योंकि बीच में मैं हॉन्टिंग नहीं करी थी। आप वो हॉन्ट करके जो वो उसको कर सकते, लेकिन मेरी चिकन ने जो वो बहुत सारे एग्स ले कर दिए थे, तो मेरे अच्छी खासी उससे अमाउंट उसी से बन गई। अरे मैंने अभी देखा है यहाँ पे मेरे पास जो है 3 चेक हो चुके, एक ये है, एक ये है, एक और वहाँ पे एक खड़ा था। अरे किधर गई, एक ही है छोटा, ऐसा क्यूट सा, इसको पकड़ के वापस लाते हैं यहाँ पे, छोड़ते हैं, ये खा पी के बड़े होते हैं। बड़े कब हो गए भाई। तो गैस यहाँ पे मैं बहुत सारी वुड जो है वो जमा करके लेके आई थी और एक साथ, और यहाँ पे मैं बहुत सारी जो वो प्लैंक जो मैंने तैयार यहाँ पे कर लिए। अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ बता दूँ गैस, मैं क्योंकि काम में इतना ज़्यादा बिजी थी यहाँ पे काम करने में कूप बनाने के लिए, तो मेरे जो है वो 3 जो चिक्स थे वो मर गए। तो मैंने फिर उनकी स्किन जो है वो कलेक्ट कर लिया मेरे से न्यूट्रेंट से क्यूट से। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं जो है वो उनका ख्याल नहीं रख सकी तो वो मर गए। अब मैं इनका कूप इसलिए बड़ा बना रही ताकि इसके अंदर ही रहेंगे और सही से वहीं पे एग्स देंगे, अदरवाइज इन्होंने यहाँ वहाँ एग्स जो है वो कर दिए थे ले, तो फिर उसको मुझे कलेक्ट करना पड़ता है, नज़र नहीं आते। वैसे अगर इनका खाना रखा हुआ हो तो इधर उधर नहीं जाती, बट मैं वापस आई तो तब तक इनका खाना जो है मैं डाल के गई थी, लेकिन ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं बहुत सारी वुड्स जो है वो कट की थी, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो जो है वो हटा देते हैं कि डॉग को जो है वो उठानी भी। तो ये फाइनली ये मेरी लास्ट जो है इसको वुड को कट करने लगी, उसके बाद जो है मैं जाके सीधा कूप बनाऊंगी। तो मैंने इस पे गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत की, इस चिकन फार्म को बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो जब बनेगा तो। तो गाइस मेरे पास जो है वो फाइनली जो है वो सारी जो है वो चीज़ें हो चुकी है, मैंने प्लैंक्स जो है वो बना दिए। अब मुझे जो है उसे मेटल चाहिए, तो मेटल जो है वो मैं हार्डवेयर से यहाँ से बाय जो है वो करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ स्टोर में, तो इसमें चल के जो हम अपना मेटल ले लेते हैं। मुझे रिक्वायर्ड था 52 सबसे बड़ा एक्सपेंसिव कूप बनाने के लिए, तो मैं जो है वो यहाँ से 50 प्लेट्स जो है वो ये लूँगी। गाइस मुझे जो है वो 52 चाहिए, तो मैं 52 ही लूँगी, इसको मैं कर लेती हूँ कार्ट में डाल लेती हूँ। तो मेरे पास ये जो है वो आ चुकी है और यहाँ से इसको भी कर लेते हैं। तो मुझको एक्चुअली जो है वो यहाँ पे 600, क्योंकि इसमें 10 पूरी आएंगी, तो 2 ऊपर जो है वो अलग से नहीं ले सकते। तो ये मुझे मेरे पास जो है 600 की पड़ी है, थैंक गॉड कि मैंने जो है वो एग सेल करी, तो मेरे पास ऊपर अमाउंट आ चुकी है, क्योंकि मुझे जो वो चिकन के लिए खाना लिया तो वो मेरे पास पैसे कम हो गए थे बार बार। तो उसको यहाँ से उठा के लेके जाते हैं, देखते हैं सारे, अरे नहीं सारे नहीं उठाता, पहले एक को रख के आते हैं फिर दूसरा। तो वापस चलते हैं रेंच। तो मैं जो है गाइस अपने रेंच में जो है वो मैं वापस आ चुकी हूँ, चलते हैं वहाँ पे और इसको जो है वो बिल्ड करते हैं। एक्सपेंसिव किस्म का कूप जो है वो बनने जा रहा है गाइस, सबसे बड़ा चिकन फार्म और जो है वो चिकन रेंच, और ये जो है वो बनेगा। तो इसको जो है वो मैंने यहाँ पे रखा, क्योंकि बाद में मैं जो है वो यहाँ पे अगर वो मुझे जो है वो डोर लगाना हो तो उसको करूँगी। यहाँ पे 52 चाहिए थी, तो इसको जो है वो कर देते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं ताकि हमारी चिकन जो है वो खुले में आ सके। यहाँ पे मैंने ट्री छोड़े थे, क्योंकि जो फिर बाद में जो वो यहाँ पे थोड़ी छाँव भी होगी। इसको मैं अभी ये चीज़ें जो वो एक साइड पे रख के जा रही हूँ ताकि ये बाद में काम आएगा और मुझे कूप बनाने होंगे। तो यहाँ पे मैं ये सारे प्लैंक्स जो वो उठा के यहाँ पे लगाती जाऊँगी। अब सारा काम बड़ा जल्दी का है, तो देखते हैं कैसा बन गया। इसमें क्योंकि अंदर भी जाया जा सकता है, इसलिए मैंने सबसे बड़ा यही बनाना था। भाई जबरदस्त मेरा कूप जो है वो, आओ मेरा कूप बन चुका है, इतना जबरदस्त है। मेरा यहाँ पे नेट भी लगी है ताकि ये अंदर ही रहेंगी, बाहर भी इनको छोड़ेंगे लेकिन एक टाइम पे रात में इनको बंद कर दिया करेंगे। तो ये इतना जबरदस्त किस्म का, इसमें जाके अब तो चीजें भी लगाते हैं। तो अदरवाइज मेरा इरादा था कि बढ़ा लूँ, लेकिन ये तो उनका है जो कैटर्स है उनके लिए, तो ये मैं 2 यहाँ पे रखूंगी। तो पहले फूड वाला जो है वो लगा देते हैं सही से, वो तो जो है वो यहाँ एक रखती हूँ, एक यहाँ रख दिया है, दूसरा जो है वो थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं, ये 2 हो गए। इसके बाद जो है वाटर का भी लगा देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं और एक यहाँ रख देते हैं, ताकि इनको जो है वो किसी किस्म की खाने पीने की कमी जो है वो फील ना हो।
तो गाइस मैंने डे टाइम कर दिए ताकि जो है वो सही से नजर आए, मुझको अंधेरे में नजर नहीं आता। तो मैंने उनके जो फीड डाल दिए दोनों पॉट्स में, तो यहाँ पे चल के वाटर भी डाल के आ जाते हैं ताकि उनको जो है वहाँ न्यू उसमें जो है वो शिफ्ट किया जाए। फिर कुछ चिकन जो है वो बाय करेंगे और यहाँ ला के छोड़ देंगे ताकि जो है वो प्रोडक्शन जो वो ज्यादा हो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो बिगस जो वो चिकन फार्म जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखो सारा जो है वो कितना बड़ा है और इनका मोस्ट एक्सपेंसिव जो है वो चिकन कूप जो है वो रेडी है। इसमें बहुत सारे करने वाले काम है तो मैं उसको करूंगी अभी। जो मैं चल के दिखा देती हूँ अंदर से। तो ये मैंने अंदर चिकन जो है वो रख दी है, ये देखो इनके। तो ये यहाँ पे वाटर जो है वो रखे हुए, इनका दाना रख दिया है। अब ये एग्स ले करेंगी तो यहाँ पे कुछ ने एग्स ले भी कर दिए, इसकी अलग से जगह बनी हुई है। तो यहाँ से जो है वो इसमें मैंने इसीलिए ये वाला चूज किया था, इसमें अंदर जा भी सकते हैं। तो ये जबरदस्त, यहाँ से इसको ओपन करके जो है वो यहाँ से एग्स उठाए जा सकते हैं। जबरदस्त किस्म का कूप भी बन चुका है। ट्री मैं अपने हिसाब से कट करूंगी, अभी मैंने कट नहीं किए, मुझे ये ट्री कट नहीं करने। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एक्सपेंसिव चिकन कूप जो है वो रेडी है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना है, चैनल पे न्यू तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह का गाइस आप लोगों ने कुछ और अगर देखना चाहते हो कि कुछ और चीज़ जो है वो क्रिएट करूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं कोशिश करूँगी वो भी बनाऊँ। और उसके अलावा जो है गाइस अगेन जो मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं जो बिज़नेस को अपना जो वो एक्सपेंड कर सकूँ, तो मैं मोर जो है वो चीज़ें लाऊंगी जैसे कैटल फॉर्म या बार्न जो है वो करूँगी क्रिएट। तो उसके लिए गाइस बेल को जरूर ऑल पे प्रेस करना है। और सी यू अगेन, चाचा बाय।